आप देखते हैं कि दिल्ली में अभी थोड़ी देर पहले एक ऑल्ट न्यूज के जुबैर को दिल्ली की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, झूठा केस लगाकर जुबैर को गिरफ्तार करती है। हम प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि जुबैर कहाँ है बताओ। हमको ये तलाश मिल रही है कि जुबैर को किसी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाया जा रहा है। अगर जुबैर की जान को कुछ होगा तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आए होगी। कहाँ लेकर जा रहे हैं जुबैर को, क्या जुर्म है जुबैर का? जुबैर तो अगर मजलिस के नेता भी अगर अलग बोलते हैं तो जुबैर उसको भी तनकीद करता है। आप जुबैर को गाड़ी में बिठा कर गिरफ्तार कर ली है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार जो जेल में मासूम लोग हैं चाहे किसी मजहब के हो, अल्लाह उनको इन जालिमों के जुल्म से निजात दिला दे। क्यों भारत के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं? क्यों बचा रहे हैं? नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, जुबैर को जेल में डाल रहे हैं। बताइए देश के प्रधानमंत्री, आपने तो इमरजेंसी को कंडेम किया था, मगर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भाजपा के लोग ओवैसी पर बड़ी बड़ी तनखीद करते, गरीबों के घर पर बुलडोजर ले जाकर तोड़ते। अरे भाजपा वालों सुनो मेरी बात को, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो चलो उस लद्दाख की सरजमीन पर जहां पर चीन की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है, लेकर जाओ बुलडोजर, वहां पर मैं भी तुम्हारे साथ चलने तैयार हूं। चीन को उखाड़ कर फेंको, जो 1000 भारत की स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन कब्जा करके बैठा है। 2 साल से चीन कब्जा करके बैठा है, मगर याद रखिए अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा। अब कांग्रेस पार्टी में दमखम नहीं रहा, अब कांग्रेस पार्टी नहीं आने वाली है। याद रखो मेरी इस बात को आप, कांग्रेस पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो, भारत हो, बल्कि जितना जल्दी कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए वो भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी, आप बताइए गुजरात में कांग्रेस के 12 विधायक भाजपा में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से भाजपा में चले जाते हैं, कर्नाटक से भाजपा में चले जाते हैं और इल्जाम लगाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर।